महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। हाक तुमची साथ आमची। 36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र। उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे। विभागीय आयुक्त साहेब विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथे यूपी सरकारने हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब यांच्यावर खोटे आरोप लावले व अरेस्ट केले। त्वरित त्यांच्यावरचे आरोप रद्द करून महोदय यांची करून सुटका करण्यात यावी याबद्दल निषेध करण्याबाबत वरील विषय आपणास कळवण्यात येते की वरील माहिती असे की धार्मिक गुरु हजरत मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब यांच्यावर यूपी सरकारने खोटे आरोप लावले आणि त्यांना अटक केली। त्वरित त्यांच्यावरचे आरोप रद्द करून त्यांची सुटका करण्यात यावी याबद्दल AIMIM पक्षाच्या वतीने निषेध व धरणे निदर्शने करण्यात येत आहेत। तसेच निवेदन देत आहे जर यूपी सरकारने मनमानी व मुस्लिम धर्मगुरु यांच्यावर खोटे आरोप लावले व समाजातील भावना दुखावल्याची मानसिक अर्जने थांबले नाही तर भारतीय कायद्याच्या अंतर्गत AIMIM पक्षाच्या वतीने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल। यावेळी उपस्थित औरंगाबादचे खासदार सय्यद इम्तियाज जलील, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी, मौलाना महफूज रहमान, माननीय खासदार कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी तथा प्रदेश अध्यक्ष नासिर सिद्दीकी, शारेक नक्षबंदी शहर अध्यक्ष विकास हेगडे, माजी नगर सेवक गटनेता दारेमा मणी, माननीय नगर प्रवक्ता खान रमीद राजा, शहर उपाध्यक्ष शोएब शेख, यूथ शहर व इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, उसके घर पर दिल्ली की सरजमीन में खुलेआम जानलेवा हमला किया गया, उनको जान से मारने की नाकाम कोशिश की गई। हमारी गुजारिश ये है, हम बहुत ही अमन और सुकून के साथ अभी डिमांड कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उमर गौतम साहब और कलीम अहमद सिद्दीकी को बगैर किसी शर्त के वो रिलीज किया जाए और इनको छोड़ा जाए। इसमें जो तंजीमात है हमारे शहर में, दोनों जो जमीयतुल उलमा है उसके ज़िम्मेदार थे, अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदार थे, रज़ा अकेडमी के ज़िम्मेदार थे, इमारत शरिया के लोग थे, मदारिस के लोग थे, उसके अलावा तंजीम अइम्मा मसाजिद के लोग थे। तकरीबन जितनी दीनी जमातें हैं वो सारे के सारे एक आवाज़ होकर आज के इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए थे और सब इस बात या जो लोग देशभक्ति के दावा करते हैं ये उनके देशभक्ति के दावों को खोखला करते हैं। दरअसल इस किस्म की जो आतंकवादी हरकतें हैं ये देश को अंदर ही अंदर कमज़ोर करती जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज औरंगाबाद में ये MP इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में एक जो धरना आंदोलन रखा था, हम इसके ज़रिए प्रशासन और शासन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी मनमानी करने के तरीके अब नहीं चलेंगे। इस मुल्क का आम नागरिक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जाग चुका है और वो अपने हकूक को हासिल करना अच्छी तरीके से जानता है। जब देश का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपना धर्म कबूल करें या कोई और धर्म कबूल करे, तो किसकी क्या जवाबदारी बनती है कि वो उसको रोके। अगर मौलाना को फंडिंग के नाम पर फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया तो ये देश की जाँच एजेंसियाँ क्या कर रही है। मौलाना आज से नहीं बल्कि कई सालों से जो है तो लोगों में दीन की दावत का काम कर रहे हैं। अगर ये फंड्स का कहीं से भेजा इस्तेमाल करे होते तो इस देश की जो जांच एजेंसियां बैठी है उनकी जिम्मेदारी थी कि ये पहले से उसकी एजेंसी जांच करते, लेकिन ये सब बहरहाल यूपी इलेक्शन के पेश नज़र किया जा रहा है। एक मरतबा फिर देश में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। इस देश के माइनॉरिटी को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना मुंह बंद रखिए, बसूरत दिगर आपके खिलाफ इस किस्म के सख्त एक्शन हो गए। लेकिन अब देश का नागरिक जाग चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इस धरना आंदोलन के जरिए यही मैसेज देना चाहती है कि इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने बहुत छोटे पैमाने पर कोविड के रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हुए बहुत छोटे पैमाने पर यहाँ धरना आंदोलन लिया है, लेकिन अगर बहुत जल्द मौलाना की गिरफ्तारी ख़त्म नहीं की जाती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करने वालों, उनके घर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो बहुत जल्द लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे और फिर सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। न्यूज़ G9 महाराष्ट्र, सोबत प्रतिनिधि फिरोज शेख, औरंगाबाद।